आइए देखा जाए बेटा नए सिरे से हेलमेंथिक डिजीजेस को कि आपके एनसीईआरटी ने कौन कौन से हेलमेंथिक डिजीज लिखे हैं। हेलमेंथिक का मतलब यहाँ पर प्लेटी हेलमेंथ और स्कैलमेंथ दोनों से है। प्लेटी हेलमेंथ और स्कैलमेंथ अगर आपने पढ़ा है लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। तो आइए देखा जाए इसमें जो है सबसे पहला एनसीईआरटी ने जो नाम लिखा है वो डिजीज का नाम अगर आप देखें जो पहला डिजीज है अगर आप डिजीज का नाम देखें तो इस डिजीज का नाम है ये देखिए एस्केरियासिस। ये डिजीज है, डिजीज का नाम है एस्केरियासिस। ये पहली डिजीज है एनसीईआरटी ने ये एक डिजीज लिखी है जिसका नाम एस्केरियासिस है। दो ही डिजीज एनसीईआरटी ने पढ़ाई है आपको इस टॉपिक में हेलमेंथिक डिजीज में, लेकिन दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। एस्केरियासिस अगर आप इसके पैथोजन का नाम लिखें किससे होता है ये पैथोजन, तो पैथोजन का नाम अगर आप लिखें तो इसके पैथोजन का नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स ये इसका पैथोजन है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इसका पैथोजन है। इस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स को हम लोग जनरली राउंड वार्म कहते हैं। ये देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स को हम लोग जनरली राउंड वार्म कहते हैं। ये इसके हेलमेंथ का एक एनिमल है और इससे ह्यूमन को इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप इसके इन्फेक्शन के रूट देखें कैसे इन्फेक्शन होता है तो ये देखिए सिंपल सा आप सोचिए इन्फेक्शन कैसे होता है। इन्फेक्शन फ्रॉम बाय कंटामिनेटेड फीकल मैटर मतलब ये हुआ कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय फीकल मैटर बाय कंटामिनेटेड फूड्स वाटर एंड वेजिटेबल्स बाय फीकल मैटर। मतलब ये हुआ अगर आप इसकी मीनिंग समझे जो मैंने लिख दिया, काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझना है। बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जिस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन होता है राउंड वार्म का जिसको इन्फेक्शन होता है उस व्यक्ति के इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम काज करता है। मतलब अगर किसी को एस्केरियासिस हो रही है तो उसके इंटेस्टाइन में ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जाता है और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम काज करता है। जब ये सीवियर केस में आता है मतलब सीवियर हो जाता है इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो यह उसके फीसेस से बाहर पास करता है। फीसेस से जब बाहर पास करता है तो वो फीसेस जब फूड से वाटर से फ्रूट से वेजिटेबल से मिक्स हो जाता है और उसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति करता है तब जाके उसको इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, वाटर हो गया, ऐसे व्यक्ति में जिसमें इन्फेक्शन है उसने फीसेस पास किया और फीसेस पास करने के बाद उस व्यक्ति को उस वो फीसेस जो है फूड से वाटर से वेजिटेबल से मिक्स हो गया और जो किसी भी दूसरे व्यक्ति ने यूज किया तो उस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब ये एक तरह का कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलने वाला डिसऑर्डर है, आपको ये बात सीखनी है। देखिए फूड वाटर वेजिटेबल्स ये सारी बातें एनसीईआरटी ने लिखी हुई तो ये इन्फेक्शन हो गए। अगर आपको इसका सिम्टम देखना है भाई इसका सिम्टम क्या है तो आप इसका सिम्टम देख ले। अगर आप इसका सिम्टम्स देखते हैं तो इसका पहला सिम्टम है ये देखिए सबसे पहला होता है इंटरनल ब्लीडिंग। मतलब इंटरनल ब्लीडिंग मतलब ये हुआ कि इंटेस्टाइन में ब्लड की ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग मतलब समझ रहे हैं खून बहना शुरू हो जाएगा, फीसेस पे ब्लड आना शुरू हो जाता है। सबसे पहला प्रॉब्लम इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मतलब इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो ब्लीडिंग जो है बाद में आपको फीसेस पे दिखाई पड़ेगी। जो फीसेस है वो रेड कलर के दिखाई पड़ते हैं। दूसरा जो होता है इसमें मस्कुलर पेन होता है। मस्कुलर पेन मतलब क्या हुआ, मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, ये इसका दूसरा सिम्टम है। तीसरा अगर आप इसका सिम्टम देखें, अगर आप वाली इसका और सिम्टम देखें तो इसमें व्यक्ति को फीवर हो जाता है। ये देखिए फीवर के साथ इसमें हेडेक हो जाता है, फीवर के साथ इसमें हेडेक हो जाता है और हेडेक के बाद व्यक्ति जो है एनीमिया से परेशान रहता है। एनीमिया मतलब एनीमिया उसे क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रही है।
जब ब्लीडिंग होगी, शरीर से ब्लड बाहर जाएगा, लगातार ऐसा होगा तो वह व्यक्ति एनीमिया से जूझना शुरू कर देगा। और फिर बाद में देखिए ब्लॉकिंग ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। उस व्यक्ति का जो इंटेस्टाइनल पैसेज है, जो प्रोसेस पास है उसकी बॉडी का इंटेस्टाइन का, वो पैसेज जो है ब्लॉक कर जाएगा और इस तरह से व्यक्ति इन सारी समस्याओं से जूझना शुरू कर देगा। इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, एनीमिया होगी, ब्लॉकिंग ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होगा, और इन सारी चीजों की जो जानकारी है वो आपकी इस एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। मतलब आपको ये सारी चीजें एक तरफ से आनी चाहिए। ये पहला हेलमेंथ डिजीज है जिसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसका दूसरा टाइप देखें, इसकी दूसरी भी चर्चा है, तो अगर आप डिजीज का नाम देखें, एलिफेंटियासिस है। आपने कभी सुना होगा इसका नाम एलिफेंटियासिस है, या इसी को हम लोग फाइलेरिया कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं। हम लोग सामान्य भाषा में इसे हाथी पांव इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि इसमें पैर जो है हाथी के जैसे हो जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है, पैर में स्वेलिंग होने के कारण पैर काफी चौड़ा हो जाता है। आपने इसको ढेर सारे, कभी आप हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वॉल पे आपको इसका नाम दिखाई पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति होगा जिसका बड़ा सा पैर आपको ऐसे फूला हुआ बैठ दिखाई पड़ेगा, तो कहते हैं कि इसको एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया हो गया है। तो ये देखिए एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया हो गई है। अगर आप इसके पैथोजन का नाम देखें, पैथोजन माने जिससे इन्फेक्शन हो रहा है, तो पैथोजन का नाम अगर आप देख रहे हैं तो पहला पैथोजन है जिसे बुचेरिया वैनक्राफ्टी कहते हैं। बुचेरिया वैनक्राफ्टी है, ये पहला पैथोजन हो गया। बुचेरिया वैनक्राफ्टी है, ये पहला है। एक दूसरा एनसीईआरटी ने और नाम लिखा है, उसका नाम है बुचेरिया मलाई। ये देखिए एनसीईआरटी ने दो नाम लिखे हुए हैं। इन दोनों को हम लोग सामान्य भाषा में फाइलेरियल वार्म कहते हैं। ये देखिए, मतलब ये हेलमेंथ का एक एनिमल है, एलिफेंटियासिस से रोग होता है, इसमें पैर हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं, और जो है इसमें पैथोजन का नाम बुचेरिया वैनक्राफ्टी या बुचेरिया मलाई है, जिसे हम लोग फाइलेरियल वार्म कहते हैं। अगर आप इसके इन्फेक्शन को देखें कि इसमें इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, अगर इन्फेक्शन देखें, इन्फेक्शन तो आप ध्यान रखेंगे बाई बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो। मतलब ये हुआ कि जब फीमेल मॉस्किटो अगर आपको बाइट करती है, उसने किसी ऐसे व्यक्ति को बाइट किया है जिसको इसका इन्फेक्शन ऑलरेडी है, तो उस केस में हमको इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। From infected person to normal person by biting of female mosquito. Female mosquito अगर हमें काटती है तो उससे ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन का रूट है। अगर आप इसके सिम्टम्स देखें, ये देखिए सिम्टम्स में सबसे पहली ये होता है कि देखिए इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन माने हुआ कि ये बॉडी में काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बॉडी में रहता है, बहुत देर तक बॉडी में रहता है। मतलब इन्फेक्शन के बाद हमारे एक मित्र हैं, उनको इसका इन्फेक्शन हुआ और इसका जो है ड्रग रेजिस्टेंस की भी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपने इसकी, मान लीजिए इसका इन्फेक्शन आपको हो गया और आपने इसकी दवा ली, मान लीजिए दवा का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, एक महीने का है, और आपने 20 दिन में ही दवा बंद कर दी, तो इसका जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो उस दवा से 20 दिन के बाद जो बचा हुआ 10 दिन है आपने नहीं खाई, तो इसका फिर से ये डेवलप हो जाता है और उस समय जो है फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम काज करता है। इसमें ड्रग रेजिस्टेंस की पावर बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, बहुत देर तक रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बॉडी में रहता है। सबसे पहले पॉइंट वाली बात यह है, बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा काम ये करता है ये कि देखिए इट अफेक्ट ये देखिए लिम्फेटिक वेसल्स
ऑफ लोअर लिम्स। लोअर लिम्स मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पैर से मतलब है। यह जो है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स मतलब पैर के लिम्फेटिक वेसल्स को, लिम्फेटिक वेसल्स को मतलब लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए पैर जो होते हैं पैर में सूजन आ जाती है। ये देखिए पैर में सूजन आ जाती है, पैर सूज जाते हैं, इसीलिए इसको हाथी पांव भी कहते हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है पैर का, इसके कमर के ठीक नीचे जो पैर का एरिया, जो थाई वाला एरिया है, वहां पे जो लिम्फेटिक वेसल्स उनको अफेक्ट करता है और उसके कारण वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। जब ये काम हो जाता है तो अगला काम देखिए क्या होता है। अगला जो होता है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, इसके बाद ये अगला काम ये करता है कि देखिए सीवियर कंडीशन में, जब मतलब सीवियर कंडीशन हो जाती है, ये देखिए सीवियर कंडीशन में, अगर सीवियर कंडीशन है तो ये देखिए इट अफेक्ट सेक्स ऑर्गन्स, इट अफेक्ट सेक्स ऑर्गन्स, ये जो सेक्स ऑर्गन्स उनको अफेक्ट करता है, ऐसे में उनकी शेप साइज बिगड़ जाती है। डिफॉर्मिटीज ऑफ सेक्स ऑर्गन, डिफॉर्मिटीज ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स का यहाँ पर जो मेजर एस्पेक्ट है, अगर आप एनसीईआरटी फिगर देखेंगे तो मेनली यहाँ पर टेस्टिस को बनाया गया है, एक मेल को बनाया गया है, मेल के टेस्टिस को फिट करेगा और उसकी साइज बिगड़ जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। एनसीईआरटी में आप देखिएगा, क्योंकि ओवरी तो अंदर होती है फीमेल्स में, तो वहां पर इन्फेक्शन का चांस तो कम है डिफॉर्म होने का, लेकिन यहाँ पर जो मेल है उसके टेस्टिस की डिफॉर्मिटी होने का चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और लगातार अगर ऐसा रहा, होता रहा, तो इस व्यक्ति को स्टेरिलिटी हो जाएगी, स्टेरिलिटी भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको मेन याद करना है ये वाली कंडीशन, कि अगर सीवियर कंडीशन है तो इसमें सेक्स ऑर्गन में क्या हो जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा इसका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, और फैलता कैसे है, फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से। तो आपको ध्यान रखना है कि सीवियर कंडीशन में ये मेल सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट करता है, उसकी सेप साइज को बिगाड़ देता है, और ऐसा अगर लगातार चलता रहा तो एक तो लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट कर ही रहा है, दूसरा ये सेक्स ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा, और लगातार ऐसा होने से अगर ये काफी देर तक बॉडी में पड़ा रहा तो उस व्यक्ति को स्टेरिलिटी हो जाएगी। ये दो हेलमेंथिक डिजीजेस है, एक आपके यहां दिया गया है एस्केरियासिस का और दूसरा दिया गया है एलिफेंटियासिस का। एक एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के कारण है, दूसरा वीचेरिया मेलक्राफ्टी के द्वारा है। इससे आपको इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो इस तरह के इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। अगर किसी के घर में वीचेरिया मेलक्राफ्टी मतलब एलिफेंटियासिस का पेशेंट है तो आप उसके लिए क्या प्रिकॉशन देंगे, उस व्यक्ति को सोते समय एटलीस्ट नेट लगाना चाहिए, मतलब अपने घर चारों तरफ मच्छरदानी लगानी चाहिए, ताकि उसको जब मच्छर काटे तो घर बगल में जो लेटा हुआ व्यक्ति हो उसको मच्छर न काटे, नहीं तो उसके पूरे घर में हर व्यक्ति को एलिफेंटियासिस हो जाएगी। इसका ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसा कोई देखता है तो इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो अब देखिए लाइट कैमरा एक्शन हो चुका है, और अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस आप समझते हैं, लोग अक्सर मजाक भी करते हैं, दूसरे गरियाते भी रहते हैं, फिर यार का फंगस हो गए, जीने नहीं दे रहे, खुजली हो गए हैं, कभी कभी लोग खुजली वाल भी कहते हैं, आप जानते ही हैं, हमसे अच्छा बेहतर जानते हैं। तो अब इसके जानने के बाद आपको ये पता चलना चाहिए खुजली होती क्यों है, मैं शुद्ध भाषा बोल रहा हूँ, खुजली क्यों होती है किसी व्यक्ति को, तो खुजली क्यों होती है, खुजली कहाँ होती है, खुजली कैसे होती है, खुजली ही खुजली क्यों है, आइए देखा जाए। आपने देखा होगा इसके लिए तमाम दवाएं आती हैं, मैं अभी आपको ढेर सारे नाम भी बता देता हूं। तो अगर आप फंगल डिजीजेस में देखें तो जो डिजीज है उसका नाम रिंग वार्म है, मतलब मैं आपको उसी सिक्को से पढ़ा रहा हूं, जो डिजीज है उसका नाम रिंग वार्म है, रिंग वार्म कहते हैं इसको, ये देखिए इसी को खुजली कहते हैं हिंदी भाषा में, अगर आप इसको हिंदी भाषा में देखें तो इसे लोग खुजली कहते हैं, भाई इसको खुजली हो गई है, ये देखिए रिंगवार में इसे खुजली कहते हैं। लोगों को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको बार बार इचिंग होती है। अगर आप इसके पैथोजन देखें किससे इन्फेक्शन हो रहा है, पैथोजन देखें, पैथोजन कौन कौन से हैं, तो पैथोजन में देखें सबसे पहला पैथोजन है जिसका नाम माइक्रोस्पोरम है, ये देखिए माइक्रोस्पोरम है। दूसरा देखिए एपिडर्मोफाइटान है, एपिडर्मोफाइटान है, एपिडर्मोफाइटान है, माइक्रोस्पोरम है, एपिडर्मोफाइटान है, और तीसरा जो है ट्राइकोफाइटान है,
ये देखिए ट्राइकोफाइटान है, ये चेंद्रा फंजाई है, मतलब फंजाई के अलग अलग जीनस हैं जिनसे इन्फेक्शन व्यक्ति को होता है, चेंद्रा फंजाई है, मतलब फंगल इन्फेक्शन, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि जो है फंगल डिजीज है, सुपर हेडिंग पड़ी रही है। अगर आप इसका इन्फेक्शन देख रहे हैं कि इसका इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को कैसे होता है, तो अगर इन्फेक्शन देखें, इन्फेक्शन आप देखिए तो किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, तो देखिए अ पर्सन इन्फेक्टेड विद एनसीईआरटी में मिला लीजिएगा, पहला लिखा है सॉयल, मिट्टी से होता है, सॉयल से, दूसरा कॉम्ब से, कंघी से, क्लॉथ से, कॉम्ब से, कंघी से होता है, क्लॉथ से होता है। किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपने उसके कपड़े पहन लिए तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जिस कंघी से उसने बाल झाड़ा हुआ है, अगर उसी कंघी से आप भी बाल झाड़ लेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि ये सॉयल से होता है, कॉम्ब से होता है, क्लॉथ से होता है, ये सारे रूट्स है जिसके द्वारा इन्फेक्शन होता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, किसी मतलब रिलेटिव के यहाँ गए हैं, तो आप अपनी कंघी, अपने कपड़े, अपने ये सारी चीजों को सेपरेट रखें, इसमें दोस्ती ना करें। अगर आपने उसकी कंघी से बाल झाड़ लिया और उसकी कंघी में आप उसको व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके आपने कपड़े, लोग दोस्ती में कपड़े बदल पहन लेते हैं, चलो भाई तुम्हारे कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े पहन तो लेते हैं, लेकिन उन कपड़ों में अगर उस व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो पक्का है आप इन्फेक्टेड होने वाले हैं और आप एक लंबी समस्या को फेस करने वाले हैं। और खुजली वैसे भी बहुत खराब चीज होती है, लोग इसको बताने में भी शर्माते हैं, लेकिन अगर आपको हो गया है या आपको होने वाला है तो हम आपको बताते हैं किस कंडीशन में होता है, कैसे इससे बचा जाए, क्या तरीके हैं, हम आप सारी चीजें आपको सिखा देते हैं। तो ये देखिए इन्फेक्शन के तरीके हैं, किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन सॉयल से होगा, कॉम्ब से होगा, क्लॉथ से होगा। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि उस व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन है, उसके आपने रुमाल अगर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया गलती से, उस व्यक्ति को इन्फेक्शन है, रुमाल इस्तेमाल कर लिया, अंडर गार्मेंट्स इस्तेमाल कर लिए, कंघी इस्तेमाल कर ली, तो अब आप बचने वाले नहीं है, आपको इन्फेक्शन पक्का होने वाला है। सिम्टम्स देखिए, अगर आप इसके सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स इसमें क्या क्या है, तो देखिए ये देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ड्राई एंड स्केली लीजन्स, एनसीईआरटी में आपको मिलाते रहना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ड्राई एंड स्केली लीजन्स स्केली लीजन्स मतलब क्या हुआ, जहां पर इन्फेक्शन होगा वैसे यहाँ पर राउंड टाइप इसका स्ट्रक्चर ऐसा आपको इन्फेक्शन दिखाई पड़ेगा, जैसे मैंने बना रखा है, ऐसे गोल गोल इन्फेक्शन दिखाई पड़ता है, जैसे ये वॉच है ऐसे इसके में छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। तो ड्राई एंड स्किन लीजन्स ऑन ये देखिए स्किन में, ये देखिए स्किन में, उसके बाद जो है स्कैल्प में, स्कैल्प आप समझ रहे हैं, और हेड पे कहीं पर भी हो सकता है। मतलब ड्राई एंड स्किन लीजन्स ऑन स्किन, स्कैल्प एंड हेड, इन जगहों पे ऐसे आपको स्किन दिखाई पड़ जाएगी, ये ऐसे गोल गोल आपको जगह जगह पर दिखाई पड़ेगा, स्कैल्प पे दिखाई सकता है, स्किन भी दिखाई सकता है, हेड भी दिखाई सकता है। और इन लोकेशंस पर, ये जो आपने लोकेशंस लिखी है, इन लोकेशंस पर इंटेंस इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग मतलब बहुत ही खुजली होती है, इंटेंस इचिंग होती है, ये देखिए ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इन जगहों पे इंटेंस इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग होती है, खतरनाक खुजली होती है। तो अगर किसी को खुजली हो रही है तो आप जान लीजिए कि इन फंगल चीजों का इन्फेक्शन हो गया है, बचना है आपको, इंटेंस इचिंग होती है। और कभी कभी आप देखिए स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं, स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं, ये देखिए बिटवीन स्किन फोल्ड्स इन ग्रोइंग एरिया लिखा है एनसीईआरटी ने, ग्रोइंग एरिया लिखा है, ग्रोइंग एरिया अगर आपको समझना हो तो दोनों पैरों के बीच में जो स्पेस है, जहां पर सेक्स ऑर्गन के आसपास जो एरिया है उसे हम लोग ग्रोइंग एरिया कहते हैं, एरिया अराउंड सेक्स ऑर्गन लिख सकते हैं आप, एरिया अराउंड सेक्स ऑर्गन के आसपास जो ऑर्गन एरिया है उस एरिया को हम लोग ग्रोइंग एरिया कहते हैं। ये देखिए जहां पर बॉडी में सेक्स ऑर्गन है, एब्डोमेन के लोअर साइड में,
वहां पर जो है स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं खुजली करते करते स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं एंड बिटवीन टूज टूज के बीच में मतलब जो अंगूठे हैं उनके बीच में भी इसका फोल्ड बन जाता है। और मैंने देखा है जिस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन हो जाता है हर व्यक्ति इसको कभी कभी ना फेस करता है, लेकिन अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपसे बचने के तरीके बताता हूँ, उससे आप बचेंगे तो इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तो स्किन फोल्ड्स एंड इन ग्रोइंग एरिया एंड बिटवीन टोज हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है बात। आगे देखिए हीट एंड मॉइस्चर प्रमोट्स रिंगवार्म, प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ रिंगवार्म। मतलब एनसीईआरटी ने ये बात कही कि अगर गर्मी पड़ रही है या ठंडी पड़ रही है, मॉइस्चर कंडीशन है, खास करके यही दूसरी वाली है, इस कंडीशन में इन्फेक्शन ज्यादा होता है। हीट एनसीईआरटी कहती है कि हीट और मॉइस्चर कंडीशन में व्यक्ति को ये फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो इससे व्यक्ति को होशियार रहना चाहिए। अगर आप इसका ट्रीटमेंट आप देखें, हम आपको इसका ट्रीटमेंट पढ़ाते हैं, अगर आप ट्रीटमेंट देखें तो मैं कुछ मेडिसिन के नाम बता देता हूँ, जानते रहे आप, हो सकता है आपके काम में आ जाए। तो एक तो होता है इट्राकोनाजोल, ये देखिए इट्राकोनाजोल, ये क्या है, एक टैबलेट है इट्राकोनाजोल, एक टैबलेट है, ये देखिए इसका इस्तेमाल आजकल लोग कर रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव टैबलेट है और इससे इसके इन्फेक्शन जल्दी से ठीक हो जाते हैं। दूसरा जो होती है एक दूसरी मेडिसिन है जिसको हम लोग कैंडीफोर्स कहते हैं, ये भी एक टैबलेट है कैंडीफोर्स, ये देखिए ये भी टैबलेट है जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं और ठीक हो जाते हैं। कैंडीफोर्स ये भी टैबलेट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इससे व्यक्ति ठीक हो सकता है। और भी ढेर सारी दवाएं हैं मार्केट में, लेकिन हम आपको बस दो टैबलेट्स के नाम बता रहे हैं, खास करके इसमें इट्राकोनाजोल के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन कोई कैंडीफोर्स से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। प्रिवेंशन क्या है, कैसे आप बचेंगे, प्रिवेंशन क्या है इसका, ये तो ट्रीटमेंट हो गया, प्रिवेंशन अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है तो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को साफ रखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, अवॉइड यूज ऑफ गारमेंट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी व्यक्ति को अगर इसका इन्फेक्शन है तो उस व्यक्ति के गारमेंट से व्यक्ति को बचना चाहिए, उसका इस्तेमाल ना करें, तब ज्यादा सही हो जाएगा। और वेयर लूज क्लॉथ, जो कपड़े पहने वो ढीले ढाले कपड़े पहनने से फायदा ये होता है कि इसके इन्फेक्शन जो जैसे जिस जगह पे इन्फेक्शन है अगर कपड़ा ढीला रहेगा तो जब आप चलेंगे कपड़े रब करेंगे उस प्लेस पे तो वो दूर तक फैलता नहीं जाएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। प्रॉपर सफाई रखें, दवाओं का इस्तेमाल करें और जो है लूज कपड़े पहनेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जितने डिजीजेज हैं उनके ट्रीटमेंट की बात है, अगर आप देखें तो मनुष्य जो है दो तरह की हाइजीन, देखिए एक हाइजीन होती है लोगों जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल हाइजीन। हाइजीन माने क्या होता है, पहले आप ये समझें, हाइजीन माने साफ सफाई से मतलब है, सुरक्षा से मतलब है कि आप कितनी सफाई रख रहे हैं, तो एक पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन माने अपने व्यक्तिगत सफाई रखना। दूसरी पब्लिक हाइजीन है, एनसीईआरटी ने दोनों हाइजीन की बात की है। तो हाइजीन माने अगर पूछा जाए तो हाइजीन माने होता है अपनी साफ सफाई रखना, साफ सफाई करना। तो दो तरह की हाइजीन है, एक पर्सनल हाइजीन है एक पब्लिक हाइजीन है, दोनों हाइजीन का इस्तेमाल व्यक्ति को करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में कीप
कीपिंग बॉडी क्लीन, कीपिंग बॉडी क्लीन, अगर व्यक्ति अपनी बॉडी की सफाई रखता है, सुबह शाम ढंग से नहाता है, साबुन लगाता है, पानी भी ढंग से डालता है। कभी कभी लोग जो है नहाते हैं और पानी जल्दी जल्दी डाल लेते हैं, उसे जो है कौवा स्नान कहा जाता है। और ठंडियों के लोग 15-15, 20-20 दिन नहाते ही नहीं है, तो जब कोई बार 15-15, 20-20 दिन नहीं नहाएगा तो उसको क्या होगा, खुजली तो हो ही जाएगा, उसके नाम खुजली वाल हो जाएगा। तो पर्सनल हाइजीन मतलब रोज पर्डे प्रॉपर पेप से नहाया जाए, साफ सफाई से रहा जाए, एक काम तो ये किया जाए कीपिंग बॉडी क्लीन, और दूसरा यूज ऑफ क्लीन क्लीन वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्यक्ति करे क्या, अगर उसको इन्फेक्शन से बचना है तो घर में अगर वो सब्जियों को ला रहा है तो सब्जियों को साफ करके उसका इस्तेमाल करे, फ्रूट्स ला रहा है तो उसको धुल के खाए, राक्षस की तरह उस पर जुट के गबर गबर खाना शुरू करेगा तो परेशान तो हो ही जाएगा। तो एक तो साफ पानी पिए, फल साफ खाए और सब्जियों का इस्तेमाल, साफ सुथरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। ये दो मेथड पढ़ाए गए हैं पर्सनल हाइजीन में कि भाई आपको पर्सनल हाइजीन ऐसे ही करनी है, पर्सनल हाइजीन आपको ऐसे ही करनी है। पब्लिक हाइजीन अगर आप देखें तो पब्लिक हाइजीन में ये देखिए, पब्लिक हाइजीन में है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा मतलब ये हुआ कि जो वेस्ट है, जो एक्सक्रीटा है, पब्लिक प्लेसेस पे जो कचरा फेंका रहता है उसे नगर निगम वाले या म्यूनिसिपल पार्टी वालों को दे दिया जाए तो उसको जो है डिस्पोज कर दे या वहां से उसको हटा दे। आपने पढ़ा होगा कचरा तीन तरह का है, गीला कचरा है, गंदा कचरा है, ये सारे तीन तरह के कचरे हैं। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा इसका इस्तेमाल किया जाए, मतलब कचरे को साफ किया जाए। दूसरा ये देखिए, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ, ये देखिए प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ, देखिए यहां पर डिसइंफेक्शन लिखा है, डिसइंफेक्शन ऑफ, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब क्या हुआ, लाइक डिचेस, लाइक डिचेस, जैसे गड्ढे अगर आसपास हैं तो उन गड्ढों में डिसइंफेक्शन किया जाए, मतलब उन गड्ढों को साफ किया जाए, उसमें मिट्टी रख दी जाए ताकि वहां पर मॉस्किटो डेवलप ना हो। तो अगर पब्लिक को पर्सनल हाइजीन मतलब क्या हुआ कि पर्सनल हाइजीन मतलब हुआ किसी एक व्यक्ति की अपनी सुरक्षा कैसे कर रहा है, व्यक्ति अपनी सुरक्षा कैसे कर रहा है, तो एक तो अपनी बॉडी की सफाई रखे, नहाए धोए ढंग से, मनुष्य जानवर ना बने, और दूसरा जो है साफ कपड़े, साफ खाने, साफ सब्जियां, फल, इन सारी चीजों को साफ खाए, सही पानी पिए, जहां मन करे वहीं मुंह डाल के पानी पीना शुरू कर दे क्योंकि हैंडपंप हो जाए। और पब्लिक हाइजीन में आप देखें तो दो तरह का है, एक तो जो वेस्ट और स्क्रीटा जो पब्लिक प्लेस से पड़े हुए हैं, उन वेस्ट और स्क्रीटा को वो व्यक्ति क्या करे कि सही जगह पर उनकी डैम्पिंग हो जाए, मतलब उनको डिसनेटरी लैंडफिल्स में, और प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जो है जहां पर मान लीजिए छोटे छोटे गड्ढे हैं, कोई गंदी जगह है तो वहां पर तो मिट्टी डाली जाए या तो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए, डीडीटी का इस्तेमाल किया जाए ताकि वहां पर मॉस्किटो डेवलप ना हो। इस तरह से अगर सफाई रखी जाती है तो व्यक्ति जो है उसको छोटी मोटी इन्फेक्शन से वो व्यक्ति बच सकता है और उसको सुरक्षा मिल सकती है। बट आपने पढ़ा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब उपचार से अच्छा है कि सुरक्षा की जाए, सुरक्षा मतलब इन्फेक्शन होने से ही पहले बचा जाए। जरूरी नहीं कि आदमी सुबह शाम एंटीबायोटिक खूब की लंबी लंबी डोजे ले, क्योंकि एंटीबायोटिक का लगातार इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता चला जाता है। इसलिए भी देखिए कोरोना के काल में, जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लोग अवॉइड कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक का यूज ना करें। तो आइए देखा जाए कि कैसे कैसे हम किसी भी डिजीज से कैसे बच सकते हैं, हम क्या प्रिवेंशन करें कि हमको इन्फेक्शन ना हो, आइए देखा जाए। तो अगर आप देखें तो प्रिवेंशन मैंने लिखा है, तो प्रिवेंशन देखा जाए जैसे मान लीजिए पहली कैटेगरी है कि मान लीजिए एयरबॉर्न डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज मतलब जो एयर के द्वारा हो रही है
एयरबॉर्न डिजीज है। आप देखिए एयरबॉर्न डिजीज आपकी एनसीईआरटी में दो लिखा गया है, कौन कौन सी लिखी गई है अगर आपको पता है तो, एक न्यूमोनिया लिखा गया है, न्यूमोनिया, और दूसरी जो है कॉमन कोल्ड है। ये देखिए ये दो डिजीजेस हैं जो एयर के द्वारा होती है। तो आखिर इन डिजीजेस से आप कैसे बच सकते हैं, क्या तरीका है कि हम बच जाएं? एयरबॉर्न डिजीज है, न्यूमोनिया हो गई, कॉमन कोल्ड है, इससे कैसे बचा जाए? तो ये देखिए इसका एक आसान सा तरीका है, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट टू सच बिलोंगिंग्स। टू सच बिलोंगिंग्स मतलब हुआ, सच बिलोंगिंग्स मतलब क्या हुआ, पहले आप इसका मतलब समझें। सच बिलोंगिंग्स मतलब हुआ इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप उस व्यक्ति से क्लोज कॉन्टैक्ट में ना जाएं, मतलब उससे नजदीक ना जाएं। अगर उसको सही बात यह है कि अगर किसी को निमोनिया है, किसी को कॉमन कोल्ड है और उसको पता चल जाए कि हमको ये इन्फेक्शन है, तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी अपने आप को भी लोगों से दूर रखना चाहिए जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। तो एयरबॉर्न डिजीजेस में अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट टू सच बिलोंगिंग्स मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से व्यक्ति को क्लोज कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए। इसी तरह से अभी आप देखिए, जैसे अभी एक एग्जाम्पल आप देखिए, ये कोविड 19 है, इससे पूरी दुनिया परेशान है, तो आप इसका क्या कर रहे हैं, इससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ सैनिटाइजर। एक तो आप इसके लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलिए हाँ सर, हाथ में जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए यूज ऑफ सैनिटाइजर। दूसरा सबसे बड़ा जो उपचार है, ये भी तो एक तरह की एयरबॉर्न डिजीज है, यूज ऑफ मास्क, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए। और देखिए इम्यून सिस्टम इम्प्रूविंग डोजेस, इम्यून सिस्टम बूस्टिंग डोजेस, आप उस तरह की डोजेस ले रहे हैं ताकि आपका बूस्टिंग डोजेस, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, ये देखिए। तो ये भी एक तरह की एयरबॉर्न डिजीज है कोविड 19, जिससे आप बचने के लिए ये सारे तरीके अपना रहे हैं। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो एयरबॉर्न डिजीज है, उस एयरबॉर्न डिजीज से बचने के लिए आपको क्लोज कॉन्टेक्ट जो है पर्सन से बचना है, जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन है उससे दूर रहना है। दूसरा देखिए, अगर आप देखें वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यहां देखिए अगर कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर किसे कहते हैं, जिसके द्वारा इंसेक्ट बॉर्न कह सकते हैं या वेक्टर बॉर्न डिजीज कह सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दो नाम लिखे गए हैं, एक तो लिखा गया है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस मतलब हाथी पांव, ये देखिए फाइलेरियासिस हो गया हाथी पांव, इसके फैलता है। दूसरा देखिए और क्या है, टाइफाइड है, फाइलेरियासिस एंड एस्केरियासिस, ये देखिए ये हाउस फ्लाई से फैलती है ना भाई, हाउस फ्लाई से। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब ये किस वेक्टर से होता है, अगर आप देखें तो यहां पर मेनली किसका नाम लिखा गया है, फाइलेरियासिस में यहां पर जो इंसेक्ट है उनके द्वारा ये इन्फेक्शन हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए इन डिजीजेस से बचने के लिए, हमें क्या क्या प्रिवेंशन रखना चाहिए? एक तो कंट्रोल एंड एलिमिनेट, कंट्रोल एंड एलिमिनेट, कंट्रोल एंड एलिमिनेट इंसेक्ट एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। दो काम करें, एक तो इंसेक्ट से हम बचें, उनको कंट्रोल में लाएं और उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को हम खत्म कर दें। ये दो काम करें, कंट्रोल भी करना है एलिमिनेट भी करना है, दोनों काम करने हैं। ये पहला प्रिवेंशन हो गया, सही बात है। तो अब आखिर हम कैसे अपने आप को बचाएंगे? तो देखिए एक तो हम यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, इंसेक्टिसाइड्स, ये देखिए यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें। एग्जांपल आप ये जानते हैं, इसका नाम डीडीटी, डीडीटी का इस्तेमाल, उससे डीडीटी तो बैन हो गई, अब कोई मतलब नहीं रह गया इसका। और देखिए यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, और देखिए अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर,
स्टेग्नेशन ऑफ वाटर मतलब हुआ कि पानी के ठहराव को रोका जाए, स्टेग्नेशन ऑफ वाटर अराउंड अस, पानी का ठहराव। पानी अगर कहीं ठहरा हुआ है तो उस पानी ठहरे हुए पानी को रोका जाए, क्योंकि अगर पानी ठहरा रहेगा, उसका स्टेग्नेशन हुआ रहेगा, तब वहां पर मॉस्किटो जो है डेवलप करेंगे और मॉस्किटो से और तमाम तरह की डिजीजेस इंडिया में हम लोगों को हो जाएगी। तो हमको स्टेग्नेशन ऑफ वाटर से भी बचना है। और देखिए क्या करना है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हाउसहोल्ड कूलर्स, जो हाउसहोल्ड कूलर्स हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए, उनकी सफाई करनी चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा काम किया डेंगू से बचने के लिए, जो कूलर्स हैं उनकी सफाई पे ध्यान दिया, क्योंकि डेंगू का जो वो है वेक्टर है वो साफ पानी में डेवलप करता है। तो हाउसहोल्ड कूलर्स को भी हम लोग प्रॉपर उनकी क्लीनिंग करें, ये देखिए। और यूज ऑफ वायर नेट्स, ये देखिए वायर नेट्स इन विंडोज, हम विंडोज में जो है वायर नेट्स का इस्तेमाल करें ताकि जो इंसेक्ट हैं वो हमारे घर में आ ना पाए। यूज ऑफ नेट्स, ये देखिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ये देखिए मच्छरदानी की जब इस्तेमाल करेंगे हमें मच्छर नहीं काटेंगे, और जब नहीं काटेंगे तो हमें इस तरह कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये और देखिए, एक और देखिए आप जो मेन है, स्टार लगा देता हूं। यूज ऑफ या बायो कंट्रोल मतलब यह होता है कि एक इंसेक्ट से या एक एनिमल से दूसरे एनिमल को कंट्रोल किया जाए। ये देखिए एक फिश है जिसका नाम है गंबूसिया, देखिए गंबूसिया है, ये क्या है फिश है, ये देखिए इज लार्वी शाइडल फिश उसे कहते हैं जो लार्वा खाती है, लार्वी शाइडल फिश ऑफ मॉस्किटो, लार्वी शाइडल फिश मतलब जो लार्वा को खाए, लिख सकते हैं इट्स खाती है लार्वी ऑफ मॉस्किटो। अब सोचिए मॉस्किटो की ये लार्वा को खा जाएगी, जब मॉस्किटो को लार्वा को खा जाएगा तो इसे इस तरह के कंट्रोल को हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल अक्सर क्वेश्चन आता है। ये देखिए कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जांपल कौन सा है, आपको देखना ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है, और फिश का नाम आपको याद रखना है, फिश का नाम आप याद रखें, गंबूसिया एक फिश है जिसका इस्तेमाल करते हैं जिस पानी में जहां पर मतलब फीमेल मॉस्किटो ज्यादा डेवलप होती है उस पानी में इस गंबूसिया फिश को डाल देते हैं। तो गंबूसिया फिश करती क्या है, उस पानी पड़े हुए सारे मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, जब मॉस्किटो के लार्वा रहेंगे ही नहीं तो नहीं डेवलप कोई जो है इन्फेक्शन हमको होगा ही नहीं। तो ये तो एक तरीका हो गया। एक बात आपको यहां याद करना है, स्मॉल पॉक्सिस इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इरेडिकेटेड माने जो पूरी तरह से दोबारा से समाप्ति कर दी गई है, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, जब उनका मन कहता है तब पूछते हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए मैंने क्या किया इसको घुमा करके ये देखिए अंडरलाइन कर दिया, ये याद करना है आपको, स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, भारत से जो छोटी चेचक है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आजकल वैक्सीन का इस्तेमाल करके, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके तमाम तरह के डिजीज कंट्रोल किया जा रहा है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन सब का भी कंट्रोल धीरे धीरे भारत में या पूरे विश्व में कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आपको इन प्रिवेंशन पर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।